व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले मस्त मजेदार डैंक इंडियन मीम्स। तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो यार, एक हम तीनों का फोटो क्लिक कर देना। तो ये खींचो भाई, खींचो। ओहो ओहो, हाँ टटा ले, उसे अजीब लग रहा है। ओ, ओ, तेरी। ये हुई ना बात, टाटा जब बेइज्जती है। हाय हाय मैन, मेरे कपड़े धो देगी? निकल जाए ऐसे। अरे बहन धो देना यार, मैंने बोला ना निकल जाए ऐसे। यार धो दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। इतना सस्ता जमीन नहीं है मेरा जो कुछ पैसों के लिए तेरे कपड़े धोने। मैं रात को 11 बजे चाय की दुकान पे जा रही हूँ। बताए क्यों जा रही हूँ चाय की दुकान पे? चाय वाले की उधारी दुकान है। ये हुई ना बात, सीधी बात, नो बकवास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु है। अच्छा, आप सिंगल हो? नहीं, 3 भाई बहन है। यार यहाँ भी इतने मच्छर हो रहे। यार तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो, मुझसे चींटी भी मर जाए ना तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ जी सर, आपका ऑर्डर? एक चिकन ग्रेवी विद टू लेग पीस और दो नान ले आना। भी तो मेरे चांद ले क्या हो गया ना। एक मिनट रुकना, बस अभी आता चांद। लो चांद कहाँ है? इसका मतलब मैं चांद हूँ? नहीं, जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो, मैं चाहता हूँ कि एक बार उस मुंह को तो देख लो। हैप्पी बर्थडे आस्था। थैंक यू मामा। और गिफ्ट में क्या चाहिए? मेरे मम्मी कैसे की प्रॉपर्टी। सच्चा प्यार हो गया टॉम एंड जेरी को तो। जेरी भाई तो कैसे लगे? वाओ वाओ, आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। इस सब में बस 3 स्टाइलिस्ट, 2 हेयर ड्रेसर्स, 1 मेकअप आर्टिस्ट, 1 पतले होने का रैप, 2 घंटे की मेहनत और लगभग 12 डिब्बे मॉइस्चराइजर लगाए, बस इतना। वाओ बस, मैं तो बस नहा के आया। पता है देवर जी, मेरी बहन ने आपको बहुत तारीफ कर रही थी, क्या बहुत अच्छे हैं। चलिए भाभी बारात लेके चलते हैं। तेरे घर आए मैं आया तुझको लेने, दिल के बन। क्या प्राइस है भैया इसका? अरे मैडम ये ज्यादा महंगा नहीं है, आपके लिए सिर्फ ओनली फॉर 5 किस्में। इसका प्राइस? इसका ये भी मैडम आपको ओनली फॉर 5 किस्में दे देंगे। 5 किस्में? ठीक है, तो फिर भैया ये दोनों ड्रेस पैक कर दो और बिल दादी पे करेगी। जाओ दादी। ओ अच्छा, बात तेज हो रहे हो, ज्यादा तेज हो रहा था। भैया चलिए ना होली खेलने, बस थोड़ा सा रंग लगाएंगे। हमको नहीं खेलना है होली, एलर्जी है हमको, तुम लोग खेलो। वैसे मेरी फ्रेंड भी आई थी। हैप्पी होली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। कल लग रहा मेरा भाई एकदम ऋतिक रोशन। कौन वाला माल दिया भाई? जो कलकत्ता से रात में लाए थे वही ला दिया का? नया वाला माल दिया इसको? ये वाला हम घर से पहन के आए थे। ये लड़का है, आपको जो भी पूछना है इससे पूछ लीजिए। अच्छा, ये घर इनका खुद का है? हाँ जी खुद का ही है। क्या करते हैं आप? ये प्राइवेट जॉब है। किस कंपनी में? HL। क्या जॉब प्रोफाइल है आपकी? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। कितना कमा लेते हैं आप? 22 लाख का पैकेज भी है। कितना बचा लेते हैं? ठीक ठाक बच जाता है 22 लाख। चलिए ठीक है, सोच के बताते हैं। तो
ये घर आप ही का? नहीं भैया, अभी तो किराए पे रही रहे। क्या करते हैं आप? भैया अपनी सरकारी नौकरी है। बस हो गया रिश्ता, चलो बस खत्म बात। ये भैया 5 लाख रुपए दहेज, ठीक है भैया। और ये भैया चाबी लाओ। हाँ, ये भैया स्कॉर्पियो चाबी। काली है? हाँ हाँ काली है। तो फिर डन भैया, ठीक डन। उसका 22 लाख का बैगेज कुछ नहीं? स्कॉर्पियो उठा ले रे बाबा। थैंक यू भैया। कुछ भी गया। थैंक यू भैया। अच्छा चल, बाय बाय टाटा। कैसे कैसे लोग हैं यार, इंसानियत है नहीं। वाओ, आप कितने अच्छे हो। हाय हाय भैया। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। फेंको। यस चलो भाई, देखो अपने क्या करता हूँ। रुको जरा। गया। नव्या बेटा अपना फोन देना, मासी ने कुछ फोटो भेजी है तेरे व्हाट्सएप पे। मम्मी मैं पापा के फोन पे सेंड कर देती हूँ। क्यों, मुझे अपनी फोन नहीं दे सकती? कैसी बातें कर रही हूँ मम्मी, ये लो। ओहो ओहो, भगवान जी प्लीज बचा लेना। ये मुस्कान तुझे कुछ मैसेज कर रही है। मम्मी प्लीज मत देखो। ये मुस्कान तुझे बेबी बोलती है? हाँ, वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ना मम्मी, इसीलिए। लेकिन उसने तुझे सेना नमक का फोटो क्यों भेजा है बेटा? गर्मी आ गई है ना मम्मी, तो सैलेड ये सब खाने में। कितने समझदार हो तुम दोनों। मैं जब तेरी उम्र की थी तो अपने बेस्ट फ्रेंड से इतनी गंदी गंदी बातें करती थी। हे राम। मम्मी प्लीज मत पढ़ो यार हम दोनों की बकवास बातें। लिखी है बेबी, तुम्हें पता है हमारे क्लास की 2 लड़कियां सेमिनार हॉल में थ्रीशम करते पकड़ी गयी। ये थ्रीशम क्या है बेटा? मम्मी जब 3 लोग मिलकर कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसे थ्रीशम बोलते हैं। अच्छा चलो, इसी बहाने मुझे कुछ सीखने को तो मिला। और तूने लिखा है, उफ बेबी तुम्हारी बातों से मैं वेट हो गई। वेट हो गई मतलब? मम्मी जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं उफ वेट हो गई। जैसे आप बोलते हो ना, मुझे खुशी हो रही है। अच्छा एक मिनट। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आपकी जो लोनावला में जमीन है उसकी कीमत 70 करोड़ रुपए हो गए हैं। उफ, ये सुनकर मैं वेट हो गई शर्मा जी। क्या भाभी जी? अरे इतनी बड़ी खबर सुनकर मैं वेट हो गई शर्मा जी। आप कहें तो घर आकर और अच्छे से वेट कर दूं। जी जी बिल्कुल, अपनी वाइफ को भी साथ ले आइएगा, तीनों मिलकर थ्रीशम करेंगे। यार इन लोगों को ट्रैफिक रूल समझा समझा के पागल है। इधर हो जा, आ इधर साइड में ले। ओ आदित्य, क्या हाल है? आशीष। हाँ अरे बढ़िया यार। तो यार पुलिस वाला बन गया यार, ट्रैफिक पुलिस वाला। बस भाई बन गया यार। अबे तू तो पढ़ने में तेज, इसलिए बन गया तू। बिल्कुल भाई। और तेरी पोस्टिंग यही लगी है क्या? हाँ इसी एरिया में। चलिए यार एक काम करियो यार, अगर मेरे दोस्त यार निकले तो देख लियो यार कभी यार। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल देख लेंगे। और कहाँ जा रहा था? घर जा रहा हूँ यार मैं। घर जा रहा? और हेलमेट का यार? हेलमेट तो लाया नहीं यार मैं। तो ला 200 रुपए दे और तू भी घर जा। 200 रुपए? अरे 200 रुपए दे यार जल्दी कर। 200 रुपए? दोस्त यार अपनी जगह, काम अपनी जगह। यार मेरे पास कुछ पैसे। अरे ला यही दे यार। और सुन, जब यहाँ से तेरे दोस्त यार निकले ना, तो उनसे बोलियो 200 रुपए जेब में डाल के निकला करे। चल ठीक है, जा जा जा। और मम्मी को नमस्ते बोलियो। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। भाई एक से बढ़कर एक मीम थे, मस्त थे। और मीम्स देख के ना पता क्या, मीम से कुछ सीखने को नहीं मिलता, लेकिन मीम्स देख के जो सुकून मिलता है ना, कई बार आपका मूड खराब हो, आप जैसे आजकल क्या आदत पड़ गई लोगों को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए ना आप आउट ऑफ जोन हो जाते हो, और आप वो एक आदत ऐसी है, ऐसे 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 बस स्क्रॉल, तो माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। हाँ बाकी मीम्स मस्त थे, मजेदार थे ना, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करे थे। तो बाकी एक वो वाला मीम बढ़िया था। अरे वो बाकी, बाकी। वो जो फोन पे जो सरकारी नौकरी वाला भाई 70 करोड़ में जो उसकी प्रॉपर्टी बिकी, वो एक पांच किस्त हाँ। दादी को आगे कर रही है। नहीं वो भी कि कितना 22 लाख का पैकेज है। अच्छा चलो बताते हैं, मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ। बाय बाय, टेक केयर।